तो व्हाट्सअप भाई बन कैसे हो सारे सो सारे सारे वीडियो नहीं होंगे तो हम बना देंगे तुम बढ़िया। सो फाइनली आ चुके हैं हम लोग एक और रिएक्शन साथ आपस में। वी गोना रिएक्ट टू मानक द मुंडा बाय जस्ट मानक एक्स बोहेमिया द लेजेंडरी कोलैब भाई। ठीक है लेजेंडरी कोलैब। और मैं तुम्हारा थोड़ा सा वक्त लूंगा ये बताने के लिए कि आज जो अपने सुबह को पोल डाला था जिसमें अपने एज 19 वर्सेस नो कंपटीशन एल्बम रखा था तो उसमें मोस्टली वर्ड्स यू ऑलरेडी नो एज 19 को गए हैं। तो या वी आर हियर बट रिजल्ट्स अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं। रिजल्ट्स कल सुबह 10 बजे अनाउंस होंगे। तो 10 बजे अगर एज 19 जीतती है तो अपन कल सुबह 10 बजे एक और वीडियो इसी एल्बम में से दे देंगे, वरना अगर नो कॉम्पिटिशन जादू से जीत जाती है तो 5 बजे या 6 बजे कल नो कॉम्पिटिशन एल्बम रिएक्शन चालू कर देंगे और ये उसके बाद कर देंगे। करेंगे तो दोनों ही, बट पहले कौन सी चालू करेंगे कल सुबह 10 बजे पता चलेगा। तो तुम सोच रहे हो कि भाई तो फिर ये एज 19 का तूने गाना क्यों उठाया? ये इसलिए उठाया क्योंकि तुम लोगों ने ही बोला कि आज भी रिएक्शंस मत रोको, लेट इट बी, चालू रखो, हमको मजा आ रहा है। तो लड्डू पेड़े बांट दो आगे रिएक्शन लेके, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर दो, जो नए आए हो तुमको नहीं पता है हम लोग क्या कर रहे हैं। तो बैड मुंडा एल्बम ने रिएक्शन कर दिए और अभी हम थोड़ा एल्बम खेल रहे हैं, समझ जाओगे टाइम के साथ। तो सब्सक्राइब कर दो तो तुमको पता चलता रहे, ठीक है? और गाने की तरफ वापस आते हैं, बातें बहुत हो गई। मानक द मुंडा गाने का नाम है, बोहेमिया सर इसमें फीचर्ड है और ये डेब्यूट एल्बम है, ठीक है? तो आई डोंट नो कि मैं कितना समझ पाऊंगा क्योंकि अब जो पहले वाला जस्ट माने कि वो बहुत डीप पंजाबी वर्ड्स बोलता है, तो या मुझे पता नहीं क्या सीन है, बट ठीक है, वी विल गो विद द केडेंस फ्लो एंड एवरीथिंग बीट वीट, बट जितना हो सकता है मैं ट्राई करूंगा, कहीं पर भी गलत होता हूँ तो यू गाइस विल लेट मी नो। आ जाओ इनकी आवाज सुनो, मेरे गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। ओके सो बेसिकली लड़की की बात की गई है जो पॉश में घूम रही है और आगे पीछे लोग रहते हैं उनके हमेशा। तो दैट्स द थिंग कि भाई आई एम जस्ट गेसिंग, आई डोंट नो कि आई विल बी राइट और रॉन्ग, बट मानक द मुंडा बेसिकली मेरे ख्याल से जस्ट मानक जो है वो उनकी सरनेम है बेसिकली मानक। तो मानक द जैसे जट का बेटा ऐसा बोलते ना, तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि मतलब मानक वो जो कास्ट बेसिकली तो उनका बेटा मतलब ऐसे, तो या आई थिंक सो तो यही है इनके पापा का बेटा मानक द मुंडा। तो या ओके पूरे शहर में हाई पे भाई। ये पता है जब भी ऐसे जसमाना किसी लड़की की बात करते हैं मनोमन में वो खो जाता हूँ कि मैं वो लड़की इमेजिन करने लगता हूँ कि ऐसी, मतलब वो बोलता है ना लाल ड्रेस में एक लड़की खड़ी, तो मैं इमेजिन करने लगता हूँ कि भाई कौन होगी वो, मतलब कैसी दिखती होगी वो वो सीन हो जाता है। और इसमें मैं देखना बहुत सारे लिरिक्स मिस्टेक करूंगा, मेरे को पता चल रहा है, शुरुआत की पता चल गया मेरे को। बट या मेरे को कोई लोग आके बोलते भाई तू जब लिरिक्स नहीं समझ पाता ना तो ज़्यादा फनी हो जाता है वीडियो, तो लेट इट बी भाई, मैं तो ट्रू बताऊंगा तुमको क्या समझ में आ रहा है मुझे। तो क्या बोलते तेरे पीछे मतलब लड़कों की लाइन लगती, मेरे को इतना समझ में आया। और जट दे पटोले मरते, या वो तो पता है लड़के मरते, पक्के तू सूट वकड़ी गड्डी विचो मैनु तक दी, तो या यू आर स्टेयरिंग मी भाई। ओके वो स्पीकर के ऊपर बैठा हुआ, पेड प्रमोशन है, सही बोला पेड प्रमोशन है ना। वॉयलिन बज रहे पीछे से, आई थिंक सो। बोहेमिया दिलों सदा नौजवान मुंडा, दुश्मना दी जान कड़े यारा दी जान मुंडा, अजे भी गल नहीं कोई माड़ी, पूरी तैयारी पास करे सारे इम्तिहान मुंडा। दिलों सदा नौजवान मुंडा, मतलब दिलों के बीच में आज भी नौजवान हूँ, मतलब यू नो मतलब मैं सर कहलाने के लायक हूँ, बट आज भी मैं उतना ही वो जो फ्रेश भूखा इंसान था ना कि जैसे गाने बनाया करता, तो आज भी मैं लोगों के दिलों में वैसे ही जिंदा हूँ जैसा मैं आया था। तो दिलों बिच आज भी नौजवान मुंडा, दुश्मना दी जान मुंडा भाई, दुश्मना दी जान कड़े यारा दी जान मुंडा, और यारों की भी जान मुंडा, आज भी गल नहीं कोई माह दी, पूरी तैयारी पास करे सारे इम्तिहान मुंडा। ओके और मेरी ते मेरे यारा दी चेंज होन, मैं जनाली चुप छे यारा दी रेंज होन। ओके चलो भले मेरे कख नहीं सी ठीक सी सब पर सारे एक करन स्ट्रेंज हो, पर होन मैं एक करा बोर जदों स्टैक करा नोट कैडिलैक फोर, पर होन मैं एक्ट करा बोर जदों स्टैक करा नून, स्टैक करा नून क
कर व्रैक फॉर डोर। अरे भाई आपको मैंने बोला आप कॉम्प्लेक्स, मतलब तो आप कॉम्प्लेक्स ही दिए जा रहे हो यार। लग तेरा पतला, तो यू नो मुंडे आदि, मतलब वो देख के यू नो मुंडे, अरे यार, अरे मुंडे यहाँ द कतला, कतलेआम मतलब मुंडे कतलेआम हो रहे वो देख के। अरे यार तेरा पतला, 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 कतला, कतला। यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि यू नो उसका पहले से ही प्रैक्टिस थी इन चीज़ों को लेके, यू नो वो अभी भी मतलब वो जो हाई नोट पे गाने के लिए भी एक सुर चाहिए होता है ना, तो वो देखो यहाँ पे वो तुमको दिखाई देगा। अभी शोरा का मतलब भाई मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम है, बट सालों दा शोरा ये तो मेरे को पता चला कि भाई मतलब बंदा 19 का, इसलिए एज 19 एल्बम का नाम रखा गया, और रंग विच वो गोरा है। ऐसा मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा भाई ऐसे बोलते बोलते लिटरली भाई, ठीक है। मेरे को लगता है बहुत ईजी है बोलना, मैं मंबल कर जा रहा हूँ यहाँ पे, बट भाई बहुत से इनका पहले से मैंने ये नोटिस कर रहा हूँ कि उनकी हमेशा दो लेयर गाने की आदत है, कि मतलब वो कभी भी सुर को, पता है ऐसा होता ना कि अपन गा रहे और सुर बीच में छूट जाता है बेसिकली, मतलब ऐसा होता ना कभी रुक जाता है, तो ये इनकी हमेशा दो लेयर्स यूज़ करते कि फिर वहाँ से एक और लेयर उठती है वैसी सेम ऐसे करके, समझ रहे हो, समझ रहे हो, उनको पता है कॉमेडी लगेगा तुमको, तो दैट्स द थिंग। देख यहाँ पे देखो नोटिस करो, आँख तेरी बिल्ली गोरी है, तो आँख तेरी तिरछी गोरी है, आई थिंक सो। और यू नो जट किसी से नहीं डरता, मुंडा पीछे रश हो गया और नारा द क्रश हो गया, ओके। रैनी आन तू दिल्ली गोरी है, ओके दिल्ली की बंदी, मैंने पहले बोला जब उसने बोला ना भाई की हेड़ी मारती है, आई अंडरस्टूड भाई। तो मैनू हनी लग दी अंदरों, अच्छा ओके, तो मतलब तू बेसिकली बाहर से एकदम कुड़ी प्यारी लगती है, बट अंदर से तू रेड चिल्ली गोरी है। ये वॉयलिन सैंपल भाई बेस्ट है यहाँ पे। आ जाओ भाई, आ जाओ यार, ऐसा लग रहा है मैंने कोई मैथ्स एग्जाम पास कर लिया है। फाइनली भाई, फाइनली, बट आई एम हैप्पी भाई, एक्चुअली अपन कुछ न्यू ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। शुरुआत में भी अपन इतना कर रहे हैं, आई फील हैप्पी भाई, ठीक है। प्योर प्योर पंजाबी लिरिक्स, ये भी हार्ड नहीं है अब तक इनके, पता है ये भी अब तक बेस्ट वाले नहीं है, अभी तो आने बाकी हैं, मेरे को पता चल रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं तो बोलता हूँ 60-70% भी क्रैक कर लेना तो मेरे को मजा आता है, ठीक है, कि अपन कुछ न्यू ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ सीख के रखने गए थे। कल को क्या पता कोई अपने को ऐसी एल्बम रिएक्ट करनी पड़ जाए प्योर एकदम पंजाबी, तो करेंगे, तो मजा आ रहा है, ठीक है। तुमको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ज्यादा फनी लग रहा होगा तुमको मेरे ख्याल से, है ना, ज्यादा एंटरटेनमेंट वाला लग रहा होगा, बट इट्स ओके। अपन बहुत सारे एल्बम रिएक्शंस करते रहते, बहुत सारे रिएक्शंस करते रहते, जिनको मालूम है उनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम है वो लोग आए हो तो लाइक कर दो, ड्रॉप अ लाइक डाउन एंड सब्सक्राइब। बाकी मेरे को गाना बहुत पसंद आया, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खाली गाना समझने को लगा होता इसलिए, बट अपन इसको लाइव स्ट्रीम बजा के एक और बार एंजॉय करेंगे। और या दैट्स इट फॉर द रिएक्शन, होप सो तुम मुझे बताना कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस गाने को लेके, और या लेट मी नो एवरीथिंग। बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, मिलते तुमसे किसी और अच्छी रिएक्शन में, नेक्स्ट रिएक्शन का वेट करो कम्युनिटी पोस्ट में, तुम्हारा नो कॉम्पिटिशन और एज 90 का कॉम्पिटिशन चल रहा है, अब तक कोई जीता नहीं है, जाके उससे लाइक करो यार, ठीक है, जाके उधर अपना वोट करो, अपने बंदे को जीताओ यार, ठीक है। तो बाकी मिलते तुमसे किसी और अच्छी रिएक्शन में, तब तक स्टे सेफ, वेयर मास्क, टेक केयर एंड टाटा।
बड़ा हुआ मैं तो ये गेमों को खेल के टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पे लेते गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेबलेट हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में स्कूल में तलिकता है बुक थी क्लास में टिकते ही टिकते हैं गुम हो गए बैचमेट ओके मिले फ्रॉम द पीपल हु वर फेक एम11 विद वुमन और अ स्नेक अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक इमेजिनेशन में किया था बेक।